अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर पर अपडेट दे देते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख के इनामी बदमाश यानी काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई है। जठेड़ी वो बदमाश है जिसके खिलाफ दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। उसके खौफ का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जठेड़ी गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। इस गिरोह के कुछ बदमाश विदेश में बैठकर भी इसे चलाते हैं। जठेड़ी के साथ ही पुलिस ने एक महिला डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंच को भी गिरफ्तार किया है। मैडम मिंच राजस्थान के कुख्यात बदमाश आनंदपाल सिंह की सहयोगी रह चुकी हैं। अनुराधा उर्फ मैडम मिंच पर राजस्थान में फिरौती, अपहरण, हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। आप वो देखिए, शॉर्ट्स में और टी शर्ट्स में जो शख्स खड़ा है वही वो काला जठेड़ी है, जिसकी तलाश न केवल दिल्ली पुलिस को बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ पुलिस को थी। और आपको बता दें कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित है और पिछले कुछ महीनों से दिल्ली पुलिस सरगर्मी से इस बदमाश की तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने कल सहारनपुर से काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है। ऐसा भी दावा किया जाता था कि काला जठेड़ी थाईलैंड भाग गया है, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि काला जठेड़ी यहाँ नहीं है। और ये जो आप महिला देख रहे हैं काला जठेड़ी के साथ, ये अनुराधा है जो राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंदपाल की सहयोगी रह चुकी है। अनुराधा BCA पास है और सीकर राजस्थान की रहने वाली है। बताया जाता है कि उसने लव मैरिज करी थी, लेकिन पति के साथ शेयर मार्केट में जब उसका पैसा डूबा तो उसने अपराध की दुनिया में जाना जो है ज़्यादा बेहतर समझा और वह आनंदपाल के संपर्क में आई। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद वो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के साथ संपर्क में आई थी। और अभी आप दोनों को देख सकते हैं, दोनों यहाँ पर पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने कल दोनों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है और उसके बाद अदालत में पेश भी कर दिया है। फिलहाल दोनों को रिमांड मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इन दोनों से पूछताछ की जा रही है, अभी इस मामले में और भी ज़्यादा खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल इतना है कि काला जठेड़ी पर मकोका स्पेशल सेल ने दर्ज किया हुआ है, मकोका के तहत मामला दर्ज किया हुआ और इसी मामले में फिलहाल स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन काला जठेड़ी गैंग पर दिल्ली के कई व्यवसायियों को एक्सटॉर्शन कॉल करने के भी मामले दर्ज हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।